राज्य में महाविकास आघाड़ी की सत्ता स्थापित हो चुकी है और वही चंद्रपुर जिले से मंत्रिमंडल में कौन स्थान पाता है इसकी ओर सभी की निगाह लगी हुई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता स्थापित हो चुकी है जिसमें शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मित्र दलों एवं निर्दलियों का समर्थन प्राप्त है और अब वहीं मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के एकनाथ शिंदे वहीं कांग्रेस के बालासाहेब थोरात नितिन राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस के जयंत पाटिल तथा छगन भुजबल ने भी शपथ ली है मगर इसमें एकमात्र मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे अपना पदभार संभाल चुके हैं मगर अन्य मंत्रियों के विभागों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है और ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार तथा विभागों के बंटवारे को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विभागों के बंटवारे की बात को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत लगातार चालू है और वहीं अब हम बात करने जा रहे हैं चंद्रपुर जिले की। अब चंद्रपुर जिले में देखना यह है कि चंद्रपुर जिले में मंत्री पद किसको मिलता है जहां जिले से 3 विधायक कांग्रेस से चुनकर आए हैं जिसमें पूर्व मंत्री विजय वडट्टीवार के साथ सांसद बाड़ू धानोरकर की पत्नी प्रतिभा धानोरकर जो वर्रा विधानसभा की पहली महिला विधायक हैं और राजुरा के पूर्व विधायक सुभाष धोटे एक बार फिर विधायक बनकर आगे आए हैं और ऐसा माना जा रहा है विजय वडट्टीवार का मंत्री पद पक्का है मगर राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसके पहले भी चंद्रपुर जिले में तथा अनेक जगहों पर तय माने जाने वाले नामों में परिवर्तन हो चुका है और कुछ अपुष्ट खबरों से यह भी बात उभर कर सामने आ रही है। राजनीतिक दाव खेलने वाले माहिर लोग इस कार्य में लग चुके हैं और अब देखना यह है चंद्रपुर जिले से मंत्रिमंडल में किसको स्थान मिलता है साथ ही चंद्रपुर जिले का पालक मंत्री कौन होता है इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। चंद्रपुर जिले पर सीटीवी की विशेष प्रस्तुति।